हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन लेकर के आए हैं आज आपके लिए कि राजस्थान सीएचओ का जो पेपर हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि कितना आपका क्या स्कोर रहा है। उस स्कोर के आधार पर मैंने पेपर सोल्व करवा दिया है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कितने आपके नेगेटिव हो रखे हैं, कितने आपके सही है और कितना आपका स्कोर रह रहा है। उसके आधार पर आप अपनी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, क्या पेपर वापस होगा, सभी के बारे में आज अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। आपने देखा होगा पेपर, अगर जिसने रेगुलर क्लासेस ली है ए टू जेड क्वेश्चन आपने देखे होंगे, वहीं से पूरे के पूरे एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो ऐसे ही आपको आगे आने वाली एग्जाम के लिए हमारे साथ बने रहने की आवश्यकता है। बाजीराव नर्सिंग एकेडमी से जुड़ जाइएगा अपने हर सेशन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए। आपके लिए वंदे भारत सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, तो वंदे भारत सीरीज से भी आपने देखे होंगे बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली चारों तरफ से आपने बहुत से क्वेश्चन लपेटे हैं। आने वाली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी के लिए बेनिफिट होने वाला है। बात करते हैं आज मेनली राजस्थान सीएचओ के पेपर के बारे में कि राजस्थान सीएचओ का जो पेपर हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। पेपर लीक के बारे में चर्चाएं चल रही है कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कठोर या पुष्ट या फिर सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है कि अभी आपका पेपर लीक होगा। इसीलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम था, आपने एग्जाम दिया, अच्छे से अपनी मेहनत करी है, अब आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तक पेपर लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। 99% आपका पेपर है लीक नहीं होगा, या आपका पेपर इसी पे कट ऑफ पे और यही रिजल्ट रहने वाला। तो बात करते हैं राजस्थान सीएचओ की जो कट ऑफ है कितनी रहने वाली है, क्या पेपर के बारे में, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं आज, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास में। तो देखते हैं यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर मेनली आपके सीएचओ के पेपर के बारे में, तो राजस्थान सीएचओ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पूरा आपके लिए कैलकुलेशन लेकर के आए हैं। जो टोटल पोस्ट है आपकी 3531 पोस्ट थी जिन पे टोटल पे फॉर्म अप्लाई करवाए थे, 3531 पोस्ट थी, जिसमें से टीएसपी की पोस्ट थी 460 पोस्ट है, नॉन टीएसपी की है वो 3071 पोस्ट पर। ये टोटल आपके 3531 पोस्ट थी, उनमें से टीएसपी की 460 पोस्ट है, नॉन टीएसपी की 3071 पोस्ट पर ये क्या कराया गया था आपके लिए, यहाँ पर कट ऑफ के लिए फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर टोटल फॉर्म कितने अप्लाई करे हैं, तो टोटल फॉर्म की बात करते हैं 92,049 टोटल फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करवाए गए थे। उसमें से प्रेजेंट की बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, कितने एब्सेंट रहे इस एग्जाम में। तो बात करें अगर यहाँ पर कि टोटल फॉर्म के बारे में, 92,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए थे, उसमें से कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए हैं, कितने ने एग्जाम दिया है, 81,585 लोगों ने इसका एग्जाम दिया, 10,464 लोग इसमें एब्सेंट थे किसी भी वजह से, एब्सेंट जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया 10,464। तो आपके लिए कंपटीशन और भी कम हो गया है इस चक्कर में। आगे बात करते हैं परसेंटेज के बारे में, तो टोटल इनका परसेंटेज था कि लोगों ने पेपर दिया उसका 88.63% लोगों ने यहाँ पर पेपर दिया है। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है कि जो लोग एब्सेंट थे जिन्होंने पेपर दिया है उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन की आवश्यकता है, यहाँ पर आप रिलैक्स हो सकते हैं। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड जो मेन पॉइंट आपका कि कट ऑफ कैसे रहने वाली है, कितने रहने वाली है। तो कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पर बॉयज में कितनी रहेगी, गर्ल्स में कितनी रहने वाली है। बात करें अगर जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी में जो बॉयज की परसेंटेज कट ऑफ रहने वाली है एक्सपेक्टेड 70 से 75% रहेगी। बात करें गर्ल्स का तो 68 से 73% रहने वाली है। ये एक हम किसी बेसिस के अकॉर्डिंग जितना पेपर गया है पिछली बार पेपर से अब की बार पेपर था उसका लेवल थोड़ा अच्छा था, तो अब की बार कट ऑफ थोड़ी सी कम रहने वाली है, लेकिन पिछली बार जो पोस्ट थी वो ज्यादा थी, डबल पोस्ट थी, इसीलिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पिछली बार के समथिंग समथिंग कुछ इसी हिसाब से थोड़ा बहुत प्लस माइनस देखने को मिलेगा, क्योंकि अब की बार
पेपर अच्छा था लेकिन पोस्ट थी वो कम थी। तो यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी में कितनी रह सकती है, यहाँ पर 65 से 70% बॉयज की जाएगी और यहाँ पर 62 से 68% होगा या 62 से 68 तक कट ऑफ रहने वाली है, गर्ल्स की रहने वाली है। एससी की बात करें तो वहां पर बॉयज में 64 से 68 और 62 से 65% तक यहाँ पर फीमेल्स की रहने वाली है। बात करें अगर एससी एसटी के बारे में तो एसटी कैंडिडेट है उनकी जो बॉयज होंगे उनमें 61 से 65 और फीमेल की बात करें तो 58 से 64 तक इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। बात करें ईडब्ल्यूएस के बारे में तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। मेल की बात करें मेल में पहले क्या था यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कम लोगों के पास था, अब लेकिन मैक्सिमम लोगों ने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है तो 65 से 70 तक यहाँ पर आप सिक्योर मान सकते हैं। जिनके 70 से ऊपर है ईडब्ल्यूएस में बॉयज में वो आपको सिक्योर कर सकते हैं अपने आप को। बात करें 60 से 65 तक यहाँ पर ईडब्ल्यूएस फीमेल की रहने वाली है। बात करें एसबीसी की तो यहाँ पर 63 से 68 मेल में होगी और 59 से 64 तक ये फीमेल में। ये सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि आपकी रहने वाली है। ये हमने पूरा एनालिसिस किया है पिछली बार के पेपर का, इस बार के पेपर का, कितना स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, उन सभी के बेसिस पर ये कट ऑफ लेकर के आए आपके लिए। आने वाले समय में आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। मैक्सिमम आप इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और जहां तक आपका पेपर लीक नहीं होगा यहाँ पर केवल यही पेपर रहने वाला है, 99% चांस है कि आपका पेपर है वापस से नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपको अब आने वाले जो भी एग्जाम बचे हुए हैं उनके लिए आपने देखा होगा, और अगर जिसने बाजीराव नर्सिंग अकेडमी की टोटल क्लासे ली है A to Z क्लास, उसका मैं पूरे यहाँ पर पूरी तरीके से मैं उस गारंटी कर सकता हूं कि उसका सिलेक्शन है कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पर उसने मैक्सिमम अपने यहाँ पर 90 मार्क तक यहाँ पर अचीव किए हैं। तो सभी अपने मैक्सिमम दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और वंदे भारत सीरीज चलाई जा रही है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है आने वाली हर एग्जाम के लिए, चाहे आपका SGPGI हो, PGI हो या फिर आपका मेन टारगेट नॉर्थ साइड तक चलने वाली सीरीज रहेगी। वंदे भारत सीरीज बिल्कुल नहीं रुकने वाली है, आने वाली हर एग्जाम को नशे नाबूद करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से हम तैयार है, आप तैयार है। तो आने वाली हर एग्जाम के लिए मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स टू ऑल।